ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि माहिरीन के मुताबिक प्याज और लहसुन का शुमार उन सब्जियों में होता है जिनका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है और तकरीबन हर खाने में इन दो चीज़ों का डालना भी ज़रूरी होता है। लेकिन मसला इस वक्त दरपेश आता है जब लहसुन और प्याज खाने के बाद सांस और मुंह में बदबू पैदा हो जाती है। तहकीक के मुताबिक प्याज और लहसुन में कुछ ऐसे मजबूत मरकबात मौजूद हैं जिनके बायस सांस में बू पैदा होती है। इन मरकबात में साइस्टीन और सल्फाइड सल्फोसाइड शामिल हैं जो कि इन दोनों में पाए जाते हैं। प्याज और लहसुन के इस्तेमाल के बाद सांस और मुंह से आने वाली बू को खत्म करने के चंद आसान नुस्खे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले माहिरीन का कहना है कि दूध में कुछ ऐसे अनासर शामिल हैं जो बदबू पैदा करने वाले मरकबात को ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर लहसुन और प्याज को खाने के बाद फौरन एक गिलास दूध पी लिया जाए तो ये मुंह से आने वाली बू को ख़त्म कर देता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि खाने और दूध पीने के दरमियान 15 से 20 मिनट का वक्फा होना जरूरी है। सेब, लहसुन और प्याज के इस्तेमाल के बाद अगर सेब खा लिया जाए तो ये मुंह से आने वाली बू को फौरन खत्म कर देता है क्योंकि इसमें शामिल कुदरती एसिड मुंह में मौजूद लोआब की पैदावार को सरगर्म करता है और सांस को तरोताजा रखने के साथ साथ सड़े हुए खलियाओं को भी बाहर निकाल देते हैं जो मुंह में बदबू पैदा करने का सबब बनते हैं। सेब का इस्तेमाल काट कर भी किया जा सकता है और इसका जूस भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी तरह पानी, मुंह से लहसुन और प्याज की बू खत्म करने में बहुत ही कारामत साबित हुआ है। ये ना सिर्फ बू को खत्म करता है बल्कि सांस को महकाता है और मुंह में मौजूद जरासीम को भी मारता है। पार्सले के पत्तों का इस्तेमाल मुंह से बू को खत्म करने का एक बेहतरीन तरीका है। खाना खाने के बाद अगर एक या दो पार्सले के पत्ते चबा लिए जाएं तो ये बू को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इसके अलावा पार्सले के पत्ते तालू की सफाई में अहम किरदार अदा करते हैं। लीमू का पानी इस्तेमाल मुंह से लहसुन और प्याज की बू खत्म करने का एक और तरीका है। लीमू के जरासीम कश खसूसियात सांस में बू का बाइस बनने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है। लीमू पानी के इस्तेमाल का तरीका ये है कि एक खाने का चम्मच लीमू का अर्क लें और एक कप पानी में मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मलहूल से 2 से 3 बार कुल्लिया करें, बू खत्म हो जाएगी। लहसुन और प्याज को खाने के बाद अगर शुगर फ्री च्युइंगम चबा ली जाए तो ये बू को फौरी तौर पर ख़त्म कर देते हैं। इलायची और सौंफ को मुश्तरक इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। ये मुंह की बदबू को ख़त्म करने के साथ साथ निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाती है। माहिरीन के मुताबिक पूरे दिन में कम अज़ कम एक या आधा चाय का चम्मच सौंफ और इलायची ज़रूर चबा लें। इसके अलावा सौंफ से बनी हुई चाय को